वालेकुम, कैसे हैं माय ओटीओ फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का लाखों शुक्र है। बस कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई मैं तबीयत खराब होने की वजह से, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मौसम इतना चेंज हो चुका है और एकदम से सर्दी आ गई है, और मैंने तो नहीं स्टार्ट कर ली है सर्दियों के कपड़े, बल्कि अब तो अच्छी लगने लगी है सुबह की धूप। जब धूप निकलती है तो दिल करता है कि धूप में बैठ जाओ। मेरे इस वाले रूम में तो धूप बिल्कुल नहीं आती, लेकिन मेरे साथ वाले रूम में बहुत अच्छी सी धूप आती है। और मैंने नाश्ता भी कर लिया था, मरियम देख रही थी अपनी पोइम्स, तो मैंने कहा चले मैं जल्दी से गुड मॉर्निंग बोल दूँ। और थैंक यू सो मच, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मुझे लाइक करते हैं, और जो लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया उनके लिए भी थैंक यू सो मच, मेरे इंडियंस बहन भाई पाकिस्तानी सबके लिए। और इसके अलावा ये कहना था, हाँ आजकल जो मौसम इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा है तो सबके गलों में बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है, तो बेहतर ये है कि अच्छे से अच्छे कावे पिए, दारचीनी वाली चाय पिए। और मैंने भी अभी बनाई थी दारचीनी वाली छोटी इलायची वाली चाय, जिससे मिलता है मेरे गले को बहुत ही ज़्यादा सुकून। और चलते हैं मरियम के पास और थोड़ी सी देर के लिए बैठ जाते हैं धूप में। हाथ पैरों को धूप लगाती हूँ तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और कुछ मरियम की भी मौसम ख़राब होने की वजह से ना आती सर्दी यानी कि आती गर्मी, बच्चों की भी तबीयत बड़ी ख़राब है। मरियम भी थोड़ी ढीली ढीली हुई हुई है, कुछ बाज़ार की चीज़ें यानी कि बिस्किट्स वगैरह उसने स्टार्ट कर दी हैं, जिसकी वजह से ना उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो मैंने सोचा था कि नहीं, आज मैंने उसे कुछ भी बाहर का नहीं देना, सिर्फ घर का ही देना है। और बस, और जनाब अभी करनी है मुझे घर की सफाई। अभी तो फिलहाल मैंने बेडशीट वगैरह सही कर ली थी और रूम थोड़ा सा सही कर लिया है, लेकिन अभी उस वाले रूम की और बाहर वाले रूम की सफाई रहती है। तो अभी करते हैं घर का काम, और इंशाल्लाह ताला जो डेली की रूटीन होगी आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। सर्दियों की धूप ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और अब यानी कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई ना, तो मैंने इस तरह करती हूँ कि मैं यहाँ रूम के पर्दे हटा देती हूँ, और फिर इधर से आती है इतनी प्यारी प्यारी धूप, खुद मैं और मरियम यहाँ बैठ जाते हैं। और हाँ जी मरियम चैंटी है, मैं इसको चैंटी से डराती हूँ कि यहाँ नहीं जाना, आपने चैंटी पकड़ लेगी आपको। और यहीं बैठकर हम नाश्ता करते हैं, और हाथ पैरों को धूप जब लगवाती हूँ तो बहुत सुकून आता है। और ये मरियम ने अपने सारे टॉयज बखेरे हुए हैं रूम में, साथ साथ इसकी चल रही थी पॉइंट्स, तो मैंने कहा कि साथ साथ आपको भी दिखा दूँ। सर्दियों में, गर्मियों में एसी की वजह से इस रूम में मज़ा आता है, और सर्दियों में इस रूम में इतनी अच्छी धूप आती है, इस वजह से इधर मरियम ने अपने सारे टॉयज फेंके हुए हैं। आज मरियम की गाड़ी भी है, मरियम ने अपने सारे टैडीज वगैरह बैग में डाले हुए हैं। मरियम कहाँ जा रही हो, ला मैं आपकी गाड़ी निकाल दूँ। इसीलिए मैंने ना टेबल साइड पर कर दी, मैंने कहा मरियम आराम से खेल ले, मरियम का ही रूम है ये सर्दी गर्मी का। आजो मरियम, मरियम मरियम मुझे दिखा दो बेटा। मरियम के लिए मैं कर रही थी फ्रूट कटिंग। मरियम, मैंने कहा आजकल मरियम को डॉक्टर्स ने मना किया हुआ है बिल्कुल भी बाहर की कोई चीज़ नहीं देनी। मैं पहले भी मरियम को ना बाहर की तो खैर कोई चीज़ नहीं देती, मैंने कहा मैं मरियम के लिए फ्रूट कटिंग कर लेती हूँ। अच्छा, सेब के वैसे भी ना बहुत ही ज़्यादा एप्पल के ना फ़ायदे हैं, क्योंकि एप्पल खून बनाता है, और इसके अलावा जिन लोगों के अगर बालों का मसला है ना, बाल उतर रहे हों, वो सबसे ज़्यादा एप्पल खाएं, एप्पल से बाल बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं। तो आप लोग एप्पल ज़रूर खाएं, मैं भी एप्पल खाती हूँ, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती एप्पल खिलाते हैं, पहले मुझे इतने पसंद नहीं थे, लेकिन अब मैं ज़रूर खाती हूँ। और मरियम मरियम के लिए तो वैसे भी मैं मरियम को कहती हूँ कि मरियम एप्पल खाओ, और फ्रूट खाने का जो सही टाइम है ना वो दोपहर का है। अब दोपहर के बज रहे हैं, एक डेढ़ बज रहा है मेरा ख्याल है, तो मैंने सोचा मरियम को इस टाइम फ्रूट देना चाहिए। रात में फ्रूट सही नहीं रहता, इस तरह मरियम शौक से खा लेगी। मरियम है ना, मरियम मरियम मेरे पास बैठी हुई, आप लोग देख सकते हैं। जी बेटा, ये वाला भी एप्पल कटिंग कर दूँ, चलो जी कर देते हैं। अच्छा, केलों केले 2 दिन से ज़्यादा रख लो ना तो केलों की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, केलों को ना बस फौरन जैसे ही घर आते हैं ना ले जाते हैं, फौरन ख़त्म कर दिया करो। मरियम के लिए लाते हैं, मुझे तो बनाना इतने पसंद नहीं है। मरियम नो बेटा, चलो भाई मरियम को खिलाते हैं फ्रूट, मरियम शौक से खाएगी इंशाल्लाह ताला, है ना मरियम।
और इसमें लगा देंगे छोटी सी पिन। फ्रूट कटिंग हो चुका है और मरियम भी बैठी हुई। मरियम 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 अभी सोकर उठी है ना, तबीयत सही नहीं है मरियम की। मरियम को बस अभी मेडिसिन भी देनी है मैंने। और चलो आओ मरियम बेटा, फ्रूट खाती हैं। आज खाने में मैं बना रही थी मटन नहारी। अली को नहारी बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने सोचा कि, और मुझे भी पर्सनली ना नहारी बहुत ज़्यादा पसंद है। आलन मैंने इसका अलग निकाल के रख लिया था, वो फिर मैं ऊपर से डालूंगी। और जनाब जी नहारी तकरीबन हमारी रेडी हो चुकी है और गोश्त भी ज़बरदस्त किस्म का गल चुका है। और इंशाल्लाह अभी थोड़ी सी देर में नहारी रेडी हो जाएगी। अली को बोल दिया अभी लेकर आएंगे खमीरी रोटी। माशाल्लाह से हमारी शाही नहारी मटन रेडी हो चुकी है ज़बरदस्त किस्म की। बड़ी भूख लगी हुई है मुझे, मेरा दिल कर रहा है बस मैं जल्दी से खाना खा लूँ। इसको पकाने के चक्कर में और खाने के चक्कर में मैंने अभी तक कुछ खाया भी नहीं, मैंने सुबह का बस नाश्ता ही किया है चाय रस का। माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की शाही नहारी रेडी हो चुकी है। और इसके अलावा आज मुझे जब तक मैं इसमें हरा धनिया ना ऐड कर लूँ और हरी मिर्चें ना डाल दूँ, मुझे ना मज़ा नहीं आता खाने का। और अब मुझे आएगा मज़ा। और अली लेकर आए हैं इसके साथ खमीरी मदरी रोटी ताकि खाने का आजे स्वाद। यमी यमी सी हमारी शाही नहारी रेडी हो चुकी है खाने के लिए। और इसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों को शुरू के व्लॉग्स में शाही नहारी की रेसिपी दी थी, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बना के खाइएगा शाही मटन नहारी। और जनाब नहारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की बनी थी। और खाना चना खा चुके हैं हम लोग और अब मरियम को निन्नू आ रही है। मैंने सोचा अपने व्लॉग का कर देती हूँ एंड, जो डेली की रूटीन थी प्यारी सी छोटी सी मोटी सी वो मैंने आप लोगों के साथ की है शेयर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग आया का बहुत ही ज़्यादा पसंद। आपने मेरी नहारी की रेसिपी मैंने दी हुई है वो ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है। और मेरे चैनल को करना है लाइक सब्सक्राइब और प्यारे प्यारे से कमेंट। मरियम ने मुआ करके दिखा दिया क्योंकि मरियम को निन्नू आया हुआ है। मरियम चलो बाय बोलो माय यूट्यूब फैमिली को, बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे कल एक न्यू व्लॉग के साथ। किरा शुजात को दे इजाज़त, ओके अल्लाह हाफिज़।